हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हमने क्लासिफिकेशन नंबर सिस्टम का देखा था कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली हमने चार प्रकार के नंबर सिस्टम देखे थे। पहले हमने देखे थे डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर हमने देखा बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर हमने देखा ऑक्टल नंबर सिस्टम, फिर हमने देखा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी में हमने देखा कि जो टोटल जो नंबर होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। अगर इनकी काउंटिंग की जाए तो ये 10 होते हैं, ठीक है। इसीलिए बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम जो होते हैं वो दो होते हैं, 0 और 1 होते हैं, ठीक है। और इसीलिए इनकी जो काउंटिंग होती है वो 2 होती है, इसीलिए इनका बेस 2 होता है। बट अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। अगर इनकी काउंटिंग करें तो ये जाते हैं 10, ठीक है। इसके बाद अगर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो ये मैक्सिमम नंबर जो होता है इसका 7 होता है, काउंटिंग 0 से लेकर 7 तक होती है। अगर इस टोटल काउंट करोगे आप तो टोटल नंबर होंगे 8, ठीक है। इट्स मीन्स कि इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, 8 होगा। सिमिलरली अगर हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं, इस पर टोटल नंबर होते हैं 16, जीरो से लेके एफ तक होते हैं। 0 से 9, 9 के बाद 10 नहीं होता है, ए होता है, फिर बी सी डी ई और एफ, ठीक है। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। और हमने इसके पहले भी ये भी देखा था कि हम कैसे डेसिमल वाले नंबर को चेंज करते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। पी अपॉन क्यू मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर के फॉर्म में, जिसमें क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। मैंने सारा कुछ आपको इस साइड में लिख के समझाया था। फिर मैंने कहा था कि पी और क्यू जो होते हैं दोनों के दोनों इंटीजर होते हैं, ठीक है, ये बात अपन को याद रखनी है। तो डेसिमल वाले नंबर को हमने पी अपॉन क्यू मतलब रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था लास्ट क्लास तक। आज जो हमको करने हैं वो जो हमने नंबर सिस्टम को जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें हमने डेसिमल नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें हमने देखा था कि वो किस किस प्रकार के होते हैं, रैशनल और इरैशनल होते हैं। रैशनल हमने फर्दर क्लासीफाई किया था, आपके इंटीजर क्लासीफाई किए थे, है ना, और आपके फिर फर्दर आप देखोगे उसके नीचे तो आपके नेचुरल नंबर आए थे, होल नंबर आए थे, इवन ऑड नंबर, प्राइम कंपोजिट नंबर, ये सारे नंबर आए थे। तो इन सब की डेफिनेशन भी हम लिखवा चुके हैं आपको पिछली क्लासेस तक, ठीक है। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो हम कल की बात को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कल जो हमने पढ़ा था कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने दो चीज़ें देखी थी, एक हमने देखा था टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर क्या थे वो देखे थे, फिर हमने देखे थे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ये देखा था हमने, और हमने जो तीसरा टाइप देखा था वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग देखा था, ठीक है। रिकरिंग का मैंने आपको बताया था री अकरिंग, इसको अगर शब्द को रिकरिंग को अगर आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा, री और अकरिंग। री मतलब होता है दोबारा और अकर मतलब होता है आना, ठीक है, मतलब कोई नंबर अगर दोबारा आ रहा है, ठीक है, अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो वो री अकरिंग नंबर होते हैं। टर्मिनेट मतलब टर्मिनेटिंग शब्द जो है वो टर्मिनेट से मिलके बना हुआ है। टर्मिनेट मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन के बाद वो नंबर खत्म हो जाना चाहिए, मतलब एंड आ जाना चाहिए, फुल स्टॉप आ जाना चाहिए, वो कहलाता है टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं कि अब वो नंबर टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब कि फुल स्टॉप नहीं आएगा, नंबर बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। फिर हमने जो तीसरा वेराइटी देखा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, इसमें हमने क्या देखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट तो नहीं होगा, मतलब नंबर तो बढ़ता जाएगा, ठीक है, और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि नंबर दोबारा नहीं आएगा, मतलब सीरीज़ ऐसी चलती जाएगी कि नंबर कोई रिपीट नहीं हो रहा होगा। रिपीट का सेंस क्या है कि कोई सीरीज़ नहीं बन रही होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, देखो अगर मैं टर्मिनेटिंग वाले की बात करता हूँ, अगर मैं टर्मिनेटिंग की बात करता हूँ, जैसे आपने 3/2 लिखा तो 1.5 आ गया, देखो 5 के बाद ये 1.5 के बाद ये ख़त्म हो गया। सिमिलरली अगर आप 7/2 ले लो तो ये 3.5 आता है, ये देखो यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आप नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर लेते हो, तो मैंने कहा था रिकरिंग का जो है री और इसको अकरिंग शब्द से मिलके बना है, ठीक है, तो री मतलब होता है दोबारा, आकर मतलब होता है आना, मतलब कोई नंबर दोबारा आ रहा हो, मतलब एक पर्टिकुलर सीरीज फॉर्म कर रहा हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका आंसर आ रहा हो 3.333333333 ये आ रहा हो, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये 3 जो है बार बार आ रहा है, ठीक है, ये 3 बार बार रीअकर हो रहा है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी कहा था, आप इसको ऐसा लिख सकते हो 3 के ऊपर होल बार, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर अपन बार लगा देते हैं। फिर हमने थर्ड वैरायटी देखी थी नॉन टर्मिनेटिंग, और हमने देखे थे नॉन रिकरिंग नंबर देखे थे, ये किस टाइप के थे, फॉर एग्जांपल x अपॉन y कोई नंबर रहा होगा तो इसका आंसर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 7.321 ये तो आपका रिकरिंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब ये ऐसा आ रहा होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में, ये ऐसा आ रहा होगा कि 7.231415 8 9 1
थ्री टू वन इस तरीके से जाता रहा होगा, ठीक है। मतलब कोई पर्टिकुलर सीरीज़ नहीं बन रही होगी, ठीक है ना। पर्टिकुलर सीरीज़ का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे कि थ्री नंबर ही बार बार रिपीट हो रहा है, या अगर मैं कोई एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, एक्स अपॉन वाई मान लेते हैं 3.721, फिर 721, फिर से 721, फिर से 721, इस टाइप की अगर सीरीज़ चलती जा रही हो, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये तीन डिजिट जो हैं 721, इनके बाद देखो फिर से 721 आया, फिर से 721 आया, फिर से 721 आया। मतलब ये कैसी सीरीज़ है, ये रीअकरिंग वाली है, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर डिजिट के बाद, मतलब देख रहे होगे तीन डिजिट के बाद क्या हो रहा है, दोबारा वही डिजिट रिपीट हो रही है। तो ये कैसे कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर, ठीक है। और ये कैसे नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इसका मतलब क्या होता है, कोई पर्टिकुलर सीरीज़ नहीं बनेगी, आप सीरीज़ बना ही नहीं पाओगे। आप देखो वन, जैसे आप देखो 2, 3, 1, अब 1 के बाद फिर से अगर 2, 3, 1 आता तब तो सीरीज़ बन जाती, बट नहीं आया, क्या आया 4, 5, 1 आ गया। फिर से आप चेक कर लो, यहाँ तो कोई डिजिट सेम नहीं है। फिर से अगर आप इस 1 से चेक करना चाहो कि 4, 5, 1 आ जाए, तो देखो यहाँ पे भी नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि ये नंबर जो होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं। और इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं, ये सारे के सारे रूट वाले नंबर होते हैं, सारे के सारे कैसे होते हैं, रूट वाले नंबर होते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ हमने लास्ट क्लास में देख ली थी, मैंने केवल आपको जस्ट एक रिमाइंड करवाया है। अब देखो आज जो हमें करना है, वो आज हमें करना है कि नॉन टर्मिनेटिंग जो रिकरिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग और जो रिकरिंग नंबर है, इनको हम कैसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कैसे हम इसको रैशनल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है कि रैशनल नंबर हमेशा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जाएंगे, रैशनल नंबर हमेशा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जाएंगे, और क्यू की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, और साथ में जो पी है और जो क्यू है, जो पी और क्यू है, वो दोनों के दोनों इंटीजर को बिलोंग करेंगे। तो आप यहाँ से एक चीज़ समझ रहे होंगे कि ए यहाँ तो मैंने क्यू लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ एक जेड लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, क्यू जो है वो डिनोट करता है आपका रैशनल नंबर को, ये क्यू डिनोट करता है आपको रैशनल नंबर को, ये केवल नोटेशन है, कुछ नहीं है। जेड जो है आपका इंटीजर को बिलोंग करता है, इंटीजर को डिनोट करता है। सिमिलरली अगर कहीं पे n लिखा है तो ये नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा होगा, नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा होगा। अगर w लिखा है तो ये होल नंबर को डिनोट कर रहा होगा, ठीक है। ये सारे के सारे नोटेशन मैं आपको अभी से बता देता हूँ, ठीक है। लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने आपको, बट चलो फिर से हमने एक बार रिवाइज कर लिया इन चीज़ों को। अब चलो आगे देखो, तो अब हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं कि हम कैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल मैं पहला एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लेते हैं 0.7 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि 0.7 लिखा है, बार किसके ऊपर लगा, बार 7 के ऊपर लगा है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 0.7777 और कितनी बार जाएगा, ये इन्फिनाइट टाइम्स जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये इन्फिनाइट टाइम्स जाएगा, ठीक है, इन्फिनाइट टाइम्स जाएगा। अब ये तो मेरे को समझ में आ गया ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं अगर अपना सोल्यूशन करता हूँ, ये मैंने आपको केवल समझाया है, ठीक है। अगर मैं अपना सोल्यूशन करता हूँ तो मैं सपोज कर लेता हूँ लेट एक्स इक्वल्स टू 0.7 के ऊपर बार, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, एक्स बराबर कितना हो गया, अच्छा ये 0.7 एक्चुअली है क्या, ये 0.7 के ऊपर जो बार लगा इसका मतलब क्या है, कि जो बार लगा इसका मतलब ये 7 जो है ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा होगा, कितनी बार रिपीट हो रहा होगा, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा होगा, ठीक है, मतलब ये चलता ही जा रहा होगा। अब देखो ये इक्वेशन को नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो अगर मुझे इस नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस नंबर को मुझे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास ये आया कि x इक्वल्स टू 0.7777, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या बनेगा, देखो 10 इंटू एक्स, 10x हो जाएगा बराबर 10 इंटू 0.7777777 आगे चलता जाएगा, ये कितना हो गया 10x हो गया। यहाँ से देखो जब भी आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो, तो डेसिमल हमेशा राइट साइड एक पोजीशन खिसक जाता है, क्या बोला, जब भी आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल हमेशा एक डिजिट राइट साइड खिसक जाता है, मतलब ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, मतलब नंबर क्या हो रहा होगा 7, फिर आ रहा होगा 0.7777777 और ये 7, ये फिर से 7 डेड डैश चलता जा रहा होगा, ठीक है। मतलब मैं आपको यहाँ से एक कंसेप्ट सिखा देता हूँ अभी
कि अगर आप किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो, 0.7 चलो 7 लिखा था, अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो जो डेसिमल है वो एक डिजिट खिसक जाएगा, मतलब आंसर आ रहा होगा 7.77। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते 0.777 को, तो क्या होता है, ये जो अब यहाँ पे देखो, पहले यहाँ एक जीरो था तो डेसिमल एक डिजिट खिसका था राइट साइड, ठीक है। अगर दो जीरो हैं तो डेसिमल दो डिजिट खिसकेगा, एक पहले यहाँ आया फिर उसके बाद यहाँ आ जाएगा, मतलब इसका आंसर ऐसा आ रहा होगा 77.7। अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करता 0.777 को, ठीक है, तब क्या हो रहा होता, मैंने यहाँ देखा कि जीरो कितने हैं, तीन जीरो हैं, ठीक है। अब जीरो का मतलब ये नहीं कि अगर यहाँ पर टू लिखा हो तो आप कर दोगे, तब चीज़ें अलग हो जाएंगी, तब आपको टू को पहले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर आप करेंगे। बट अगर वन के साथ जितने भी जीरो लिखे हैं तो जितने जीरो लिखे हैं डेसिमल को उतना राइट खिसका दो, तो वन के साथ तीन जीरो लिखे हैं तो मैं डेसिमल को तीन डिजिट खिसका दूंगा, एक दो और यहाँ पे तीन, तो आंसर क्या आ रहा होगा आपके पास, ये आ रहा होगा, ठीक है। तो इस छोटी सी चीज़ को आप ध्यान रखना, आगे आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। अब देखो आगे, अब यहाँ क्या हो गया, इसको इक्वेशन नंबर टू दे देता हूँ मैं। अब क्या करता हूँ, इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को सबट्रैक्ट करता हूँ, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन करता हूँ। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स, देखो 10x में से x गया, ठीक है, बराबर यहाँ कितना बचा 7.7777777, ये इन्फिनिट टाइम चलता जा रहा है। माइनस में यहाँ साइन लगा देता हूँ माइनस का, फिर मुझे ये लिखना है, क्या लिखना है, 0.7777777777 और ये इन्फिनिट टाइम जा रहा है। अब जब इसको आप माइनस कर रहे होगे तो देखो कितना आ रहा होगा, 10 में से x गया कितना बचेगा, 10x में से x गया कितना बचेगा, 9x बचेगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ तो जीरो आ रहा होगा, 7 में से 7 गया जीरो, 7 में से 7 गया जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और 7 में से जीरो गया, 7 बचेगा। तो मेरे पास मतलब कि 9x की वैल्यू आ गई, मेरे पास कितनी आ गई, 7, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 7/9। तो मेरे पास इसका मतलब ये हुआ कि जो 0.7 के ऊपर जो कॉम्प्लीमेंट दिया था, कॉम्प्लीमेंट नहीं, इसको जो बार बोलते हैं, जो 7 के ऊपर बार दिया था, इसका आंसर कितना आ गया मेरे पास, 7/9। तो ये मेरे पास p अपॉन q के फॉर्म में आ चुका है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, क्या 7/9 जो है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, हाँ इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। क्या 9 क्यू जीरो के बराबर है, नहीं है, मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है, ठीक है। तो मेरे पास ये आंसर आ गया, इसको नोट करो एक बार। देखो करने के मेथड बहुत सारे हैं, बट मैंने आपको सिंपलेस्ट बताया है जिस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ बात आती है कि मैंने 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस ही क्यों किया, तो देखो माइनस इसलिए किया, मुझे यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही थी। देखो मैं आपको पहले एक चीज़, छोटी सी चीज़ और समझाता हूँ। देखो अगर कहीं पर लिखा है 2.34, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2+0.34 ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। अगर कहीं पे 10.2 लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 10+0.2 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इस डिजिट को ध्यान से देखो, अगर आप इस वाली सीरीज़ को थोड़ा ध्यान से देखो, अगर आप इस वाली सीरीज़ को थोड़ा ध्यान से देखोगे, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, तो आप इसको देख रहे होगे कि इसको मैं लिख सकता हूँ 7+0.7777 और इन्फिनिट टाइम जारी होगी। तो अब मैं यहाँ पे देखा कि क्वेश्चन नंबर मैंने 2 दिया था, तो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 ही है ये, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा गौर करके देखूँ, इक्वेशन 1 को देखूँ, अगर मैं इक्वेशन 1 को देखने पे मुझे ये मिल रहा है कि 0.7777 जा रहा है, और इक्वेशन नंबर 2 को जब मैंने देखा कि यहाँ पे भी 0.77 जा रहा है, तो प्रॉब्लम मेरे लिए क्या खड़ा कर रहा था, प्रॉब्लम मेरे लिए तो ये हो रही थी ये वाली सीरीज, क्योंकि इससे तो कोई दिक्कत नहीं थी, प्रॉब्लम मुझे इससे थी क्योंकि ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनाइट तक जा रहा था, तो मुझे बेटर था कि मैं इसको कैंसिल कर दूँ, और इसको कैंसिल करने के लिए मुझे कोई ऐसी टर्म ढूंढनी पड़ेगी जो बिल्कुल ऐसी हो। तो बिल्कुल ऐसी कौन सी थी, पहली इक्वेशन थी, बिल्कुल ऐसी कौन सी थी, पहली इक्वेशन थी। तो मैंने क्या किया, पहली इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस कर दिया, ठीक है, या बोलो आप कि सेकेंड वाली इक्वेशन से आपने पहली वाली इक्वेशन को माइनस कर दिया, क्योंकि सेकेंड वाली इक्वेशन में 7+0.77 था और फर्स्ट वाली इक्वेशन में 0.77 था। तो अगर आप इसको गौर से देखोगे ये वाली सीरीज़ को,
ये वाली सीरीज को अगर आप अच्छे से देखोगे तो 0.77 ये सीरीज है। अगर आप इसमें से इसको या इसमें से इसको माइनस करते हो तो रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। क्या होगा, ये वाली जो पूरी सीरीज है ये कट जा रही होगी पूरी, और बच रहा होगा क्या 7। यहाँ देखो ये 7 पॉइंट यहाँ लगा लेना, ये 7 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7/9, ये आ गया आंसर आपका। ठीक है, नोट हो गया, चलो आगे देखो। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो ये क्वेश्चन, एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी और बढ़ेगी। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं जिसको समझ में नहीं आया है, एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, या जो नेक्स्ट एग्जांपल करा रहे हैं इसको अच्छे से देखो, समझ में डेफिनेटली आ जाएगा। देखो, और अभी तो आप लोगों के स्कूल सब बंद हैं और आगे 2-3 महीने तो बंद ही रहेंगे। अभी आप लोग ये कर सकते हो कि हम जो आपको पूरा सिलेबस करा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे उनको भी इससे फ़ायदा हो। ठीक है, अब देखो अगला एग्जांपल लेता हूँ मैं, 0.3 लेता हूँ, 0.3 के ऊपर बार लेता हूँ। तो मुझे मालूम था कि जीरो इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि 0.33333333, इसका मतलब यही होता है। अब मैं सॉल्यूशन में क्या लिखता हूँ, लेट सबसे पहले जो मुझे गिवन था मैं वही ले लेता हूँ, लेट एक्स इक्वल्स टू 0.3 के ऊपर बार, और इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इक्वल्स टू 0.33333333, ये तो यही मतलब हुआ। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 दे दो आप। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने 10 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय, देखिए मल्टीप्लाई 10 से ही क्यों कर रहे हैं, 100 से क्यों नहीं किया, 1000 से क्यों नहीं किया, ये मैं आने वाले एग्जांपल में समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी केवल इस कॉन्सेप्ट को पकड़ो, फिर आगे एग्जांपल में हम समझाएंगे आपको 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे थे, 100 से ही कर रहे थे, 100 से क्यों नहीं कर रहे थे, 1000 से क्यों नहीं कर रहे थे, ये मैं आपको आगे एग्जांपल में बताऊंगा। हालांकि लास्ट एग्जांपल जो मैंने अभी किया था उसमें आपको थोड़ा सा समझाया भी था कि 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ था, बट कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो इस वाले एग्जांपल को देखो अच्छे से। मल्टीप्लाई बाय 10 करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखो अगर इस इक्वेशन को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 10 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 10x बराबर, अब यहाँ 10 इंटू 0.33333 ठीक है, तो 10x बराबर कितना हो गया आपके पास, देखो मैंने कहा था कि अगर एक जीरो हो तो डेसिमल एक डिजिट राइट खिसक जाएगा, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, 3 पॉइंट के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ रहा होगा 3.333333, ये इनफिनाइट टाइम जा रहा होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मैं 2 ले लेता हूँ। आप क्या करो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर दो, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन 1 कर दो। ठीक है, अब देखो 10x यहाँ लिख लो, 10x माइनस x, देखो राइट, देखो जब भी आप प्लस या माइनस करते हो तो हमेशा लेफ्ट साइड से माइनस होगी, राइट साइड से माइनस होगी, अगर प्लस कर रहे होगे तो राइट साइड से प्लस होगी और लेफ्ट साइड से प्लस होगी। जैसे कि लेफ्ट साइड में x था, यहाँ पे 10x था, तो 10x माइनस x होगा, ये लिख दिया बराबर। अब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, देखो इसको लिख रहा हूँ 3.33333 जा रहा है। ठीक है, फिर माइनस किससे करना है, मुझे माइनस ये डिजिट करना है, तो मैंने लिखा 0.33333 अगेन ये जा रहा है। ठीक, अब इसको माइनस करो, 10x में से x का कितना बचेगा, 9x बचेगा बराबर। यहाँ देखो, यहाँ तो 0 आ रहा होगा, 0 0 0 0 0 0 0 0, ये सब कट जा रही होंगी, पॉइंट आ रहा होगा, 3 में से 0 हो गया, 3 बचा, मतलब मेरे पास यहाँ पे ऐसा आ रहा होगा कुछ नहीं, 9x बराबर कितना आ रहा था, 3, यहाँ पे देख लो 9x बराबर कितना आ रहा था, 3। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास कि 3/9, 3 3 9 होता है, 3 बन जाए 3 होता है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास 0.3 के ऊपर बार दिया था ये कुछ नहीं, ये 1/3 था। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया, इसको मैंने p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, समझ में आया, देखो बड़ी छोटी सी बात थी कि यहाँ मैंने क्या किया था कि 10 से मल्टीप्लाई जब मैंने किया तो मैंने देखा कि पॉइंट के बाद, देखो इसको मैं इसको जो है ये वाली सीरीज़ को देखो आप,
ये वाली सीरीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना। इस वाली सीरीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ जरा यहाँ देखो एक बार। इसको मैं सकता हूँ 3 पॉइंट। मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में कंसेप्ट बताया है कि 3 + 0 पॉइंट में लिख सकता हूँ इसको 3 3 3 3 3 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ जब मैंने उसको ऐसा लिख लिया तो अब मुझे ये चीज़ पकड़ में आ गई कि ये वाली सीरीज़ देखो और ये वाली सीरीज़ देखो। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि 0 पॉइंट के बाद ये जो नंबर आया है पूरा, और जो यहाँ पे देखो जो ये पूरा नंबर आया, अगर मैं इनको इक्वेशन को माइनस कर दूं, अगर मैं इस इक्वेशन को पूरी और इस इक्वेशन को अगर माइनस कर दूं तो क्या होने वाला है, तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा कैंसिल होने वाला है। ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या केवल 3। आप जैसे कि यहाँ पर आसानी से देख भी पा रहे होगे, ठीक है, अगर ये दिखाई नहीं दिया है तो मैंने इसको जस्ट माइनस किया है। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया है। एक और एग्जांपल चलो लेते हैं हम। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अभी तो मैंने जैसे 0.7 के ऊपर बार लिया था, अब चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, 2 डिजिट के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तब हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, वो देखो। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आराम आराम से करते जाओ। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, सिंगल डिजिट का ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 2.5 के ऊपर बार लगा हुआ है, 2.5 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि 2.55555555 ये रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लेट x इक्वल्स टू मैंने क्या ले लिया, 2.5 के ऊपर बार, 2.5 के ऊपर बार ले लिया। तो x बराबर क्या होगा, 2.55, ये इन्फिनिट टाइम्स जाएगा, इन्फिनिट। इसके क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अब मैंने अगेन क्या करना है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 में मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन गया इक्वेशन, 10x बराबर 10 × 2.5 और ये आपका इन्फिनाइट टाइम्स जा रहा होगा। ठीक है, फिर ये कितना हो गया, 10x बराबर कितना हो गया, अब देखो मैंने कहा था जब 1 0 लगाओ तो डेसिमल 1 डिजिट राइट खिसक जाएगा, मतलब 25.55555 ये इस तरीके से जा रहा होगा। इक्वेशन नंबर इसको 2 दे दो। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करता हूँ, कितना हो जाएगा, 10x में से x किया कितना बचेगा, 10x माइनस x किया, 10x माइनस x किया, और राइट साइड में क्या होगा, 25.55555555 इस तरीके से जा रहा होगा। लेट, और यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, 2.55555555 जा रहा होगा। अब देखो यहाँ पे, यहाँ कितना बचा है, 10x में से x गया, बचेगा 9x। यहाँ देखो ये तो 0 आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0, 5 में से 2 गया बचेगा 3, और यहाँ तो 0 लिखा हुआ है, 2 में से 0 गया तो 2 बचेगा, मतलब कि आपको ऐसा आ रहा होगा कि 9x बराबर कितना आ रहा है, 23। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 23/9, हाँ 23/9। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, मतलब कि जो मुझे क्वेश्चन दिया था 2.5 के ऊपर जो बार दिया था, इसका मतलब ये होता है कि 23/9। ठीक, ये आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल है, आसान है, आप प्रैक्टिस करो, है ना, डेफिनेटली सारी चीज़ें आपको बनेंगी, कोई टफ नहीं है। कुछ कुछ चीज़ों को सिंपल तरीके से समझते जाओ। 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ था, देखो अब यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा था, ये हम 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर पा रहे थे ये भी समझो एक चीज़ को, क्या होता है इन्फिनाइट टर्म से, इन्फिनाइट टर्म या इन्फिनाइट में से कोई चीज़ अगर माइनस कर रहे हो, कोई चीज़ प्लस कर रहे हो, कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई चीज़ डिवाइड कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब डिवाइड भी मत करने लगना कि 0 डिवाइड कर रहा हो, ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे या किसी भी अल्फ़ाबेट किसी भी लेटर के नीचे अगर 0 होता है तो वो नॉट डिफाइन होता है, ये चीज़ याद रखना। और ये कहानी अगर आपको इन्फिनाइट समझ में नहीं आता, ये कहानी ऐसी ही हो गई जैसे किसी के पास खरबों रुपये, मान लेते हैं 1000 करोड़ रुपये है, अगर वो 10 रुपये या 20 रुपये या 100 रुपये किसी को दे देता है तो ऐसा नहीं कि उसकी वेल्थ में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, उसकी इनकम एज इट इज़ ही रहेगी, ठीक है, वो इक्वली रहेगी जितनी उसकी पहले थी। तो अगर 1000 करोड़ में से अगर 1-2 रुपये चली भी गई या 100
200 रुपये भी चले गए तो उसके लिए कोई बिग डील नहीं है। ये कहानी वैसी ही है कि यहाँ पे इन्फाइनाइट टर्म्स थी और अगर एक टर्म मैंने 10 से मल्टीप्लाई करके क्या किया, एक टर्म मैंने कम कर दी। अब देखो ना एक्चुअली 10 से मल्टीप्लाई करने पे हुआ क्या था, एक टर्म जैसे यहाँ इन्फाइनाइट टर्म्स थी, जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक टर्म कम हो गई। तो ऐसी वही बात हो गई कि 1000 करोड़ में से 1 या 2 रुपये या 100 रुपये कम हो गए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वैसे यहाँ पर था, जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक टर्म राइट खिसक गई और उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। फिर मैंने देखा कि इस सीरीज़ को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। इस सीरीज़ को मैंने ऐसे तोड़ा था कि 25 + 0.555 लिख सकता था मैं, ठीक है ना, 25। और फिर मैं देख रहा था कि ये सीरीज़ और जो ये वाली सीरीज़ थी, यहाँ से देखो ये एक ही थी। अच्छा, इसको क्या लिख रहे थे आप, इसको लिख रहे थे 2 + 0.5555 ऐसी जा रही थी। तो आपने यहाँ से पकड़ा कि ये वाली सीरीज़ और ये सीरीज़ एक ही है। तो अगर मैं इसको इस इक्वेशन को और इन इस इक्वेशन को अगर माइनस कर देता हूँ तो ये वाला जो टर्म है, जो ये वाला टर्म है, वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, 25 - 2 = 23 बचेगा, ये 23। और इसको जब अपन ने सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू 23/9 आई, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, इन क्वेश्चंस को रिवाइज़ करो, बुक से प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे कि अगर 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तब हम उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।